हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सो गाइस, आज मैं अपनी किचन में पहली बार जाऊंगी और आज मैं बनाऊंगी मैक्रोनी। तो आपको दिखाती हूँ कि मैं मैक्रोनी कैसे बनाती हूँ। तो सभी जाने आपको टेस्ट कर कर बताएंगे कि आज मैंने पहली बार मैक्रोनी कैसे बनाई। बॉईल कर ली है, तो ये मैंने तड़का लगा रही थी, तो मैंने सोचा कि इसका व्लॉग बना लेते हैं। तो अभी मैंने इसका गैस बंद कर दिया है, तो अभी इसकी मैं गैस उबालूंगी। तो अभी मैंने गैस बाल दी, तो अभी हम इसके तड़का लगाते हैं। तो इसमें मैंने 5 प्याज डाले हैं और 2 चम्मच नमक डाला है, तो 1 चम्मच हल्दी, तो 1 चम्मच रंग वाली मिर्च। सो गाइस, अभी मैं इसका तड़का लगा रही हूँ। तो अभी मेरा तड़का जल्दी लगा था, तो मैंने फिर से हिलाना शुरू कर दिया। तो अभी मेरा तड़का पूरी तरह से पक चुका है। अभी मुझे मम्मी ने मुझे बताया कि पूरी तरह से पक चुका है। तो अभी इसके बीच में हम मैक्रोनी डालेंगे। तो गाइस, एक बात और बता दूं, मेरी मैक्रोनी बहुत फेवरेट है। तो गाइस, मुझे नहीं पता कि मैक्रोनी मेरी कैसी बनेगी, तो अभी हम इसको बनाकर और टेस्ट करवाएंगे। तो फिर देखते हैं मेरी मैक्रोनी कैसी बनी। और मैक्रोनी के बीच में सॉस भी डालूंगी, क्योंकि मेरी मामी ने जब बनाई थी ना मैक्रोनी, तो उन्होंने सॉस भी डाली थी। तो मैं इसके बीच में 1 स्पून सॉस डालूंगी। देखते हैं कितने स्पून डालती हो। 1, 2 और मैंने 3 स्पून सॉस डाली है इसके बीच में। बहुत ही यम्मी बनी। दादी मुझे टेस्ट कर कर बताएगी कि मेरी मैक्रोनी कैसी बनी है। तो गाइस, अभी मेरी दादी टेस्ट कर कर बताएगी मुझे कि कैसी बनी है। तो अभी मेरी दादी मुझे टेस्ट कर कर बताएगी। अच्छी है, थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। सो गाइस, जैसे हमने इसके बीच में सॉस डाली थी 3 स्पून, तो इसके बीच में मीठी ये नहीं है, तो आप भी डाल सकते हो। इसका टेस्ट अच्छा होगा। पापा से भी पूछेंगे टेस्ट करवा कर कि मेरी मैक्रोनी कैसी बनी है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करके जाना। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो हम लोग आपको मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।